क्या हुआ था आपके साथ? तो मम्मी मार्च खालो नहीं मिलते। ये इसका आदमी बहुत बदतमीजी पना करता। मतलब पहले हम दो साथ फ्रेंड ऐसी रहती थी, तो मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगा। तो मतलब ये मुझे चिल्लाने लगी कि उनके घर पर मजा आ गया। मतलब बगल में हाथ डालता, जगह जगह छिछोरे पन्ने करता रहता था। तो मैंने अपने बचत के खाते में, मेरे आदमी लड़ता मुझसे अपने घर के खाते में, मैंने बात करना छोड़ दी। तो उसकी लुगाई इतनी बदतमीजी पना करने लग गई, छत पर चढ़ा चढ़ा के उन आदमियों को सीटियाँ बजवाती मेरे इधर। ये आके सक करके मुझे मारते थे, लड़ते थे मेरे हस्बैंड उनके चक्कर में। तो मैं बोलने गई ना, तो उसने 10-15 इंसानों को बुला के मेरे को इतना बुरा मारता कि चेहरे पर निशान निशान है, सीने में, बगल में भी कटा हुआ, यहाँ पे भी कटा हुआ लोगों ने। वो तीन चाचा जन मोटी मोटी, मैं अकेली थी, मरीज की तरह बीमार बहुत थी। फिर बात करवाओगी तो हमने बोला कि हम थाने में जाएंगे। मोहल्ला ने सब चिल्लाया उस पर, कोई मोहल्ला ने सब ने बोला। तो डर के हमारे दो बहनों ने जाके थाने में इन मेरे हस्बैंड के नाम की रिपोर्ट कर दी। वो बेचारे मेरे देवर लोग बहुत दूर रहते, वो आते नहीं, उनके नाम बदनाम कर दिए कि लोग मुझे आके भाटे मारते, पत्थरें मारते, ऐसे से बदनाम कर। हर वक्त हम ये भी काम पे जाते थे, मैं कल भी क्या काम क्या पे। अपने? कल मैंने गुस्से में आके इन लोगों ने मुझे बहुत जलील करा, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे दी थी कि थाने वाले कुछ नहीं कर सकते ऐसा वैसा। तो मैंने जाके अंदर फांसी लगा ली थी। कैसे लगी फांसी? क्योंकि पट्टा था, पंचल था। कैसे लेके आया ये नहीं मालूम मुझे, बाकी जो मैं पास में बैठे थे ना वो लाए हुए थे। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? मेरे हस्बैंड चूना भाटे का काम करते, कभी मिलता कभी नहीं मिलता। कहाँ रहते हो? मुन्नी मार्च कॉलोनी। आपका पूरा नाम बताओ। चंदा बान। रिपोर्ट दर्ज करा दी आपने? जी सर। कौन से थाने में? गंज थाने में भी, यहाँ पे भी आए थे सर। आ गए थे पुलिस वाले? हाँ।